नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। अब से लेकर 15 अगस्त 2022 तक और उसके भी कुछ बाद तक हम इस कार्यक्रम में एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इंडिया एट 75 श्रृंखला के अंतर्गत अप्रैल 1946 से लेकर अगस्त 1947 तक और उसके बाद भी हम कुछ वॉटरशेड इवेंट्स पर ध्यान देंगे, उसकी बात करेंगे। इस श्रृंखला का फर्स्ट एपिसोड में हम भारतीय इतिहास का एक बहुत ही जटिल दौर के बारे में बात करेंगे। आज 75 years ago, in early 1946, it had become fairly evident by this time the Second World War had ended and it was several months after that. So by this time it was fairly certain that India would become independent. The only question was the modality and the character of the new union that had to be formed. उस समय ब्रिटिश सरकार ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक डेलीगेशन या फिर एक मिशन भेजा। पहला जो टास्क था इनके सामने वो एक अंतरिम सरकार या फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट को किस तरह से बनाया जाए और उसका कैरेक्टर क्या हो। दूसरी जो बात थी वो थी नए राष्ट्र की संविधान के सिद्धांतों और उसके क्रिएशन के प्रोसेस को कैसे फाइनलाइज किया जा सकता है। 22 जनवरी 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजने का फैसला किया। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस निर्णय का घोषणा भी कर दिया। इससे पहले भारत के जो वाइसरॉय थे सर आर्चिबाल्ड वॉवेल, उन्होंने एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाने के फैसले को भी अनाउंस किया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इट वॉज मेनली एम्ड एट डिवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन टू एन इंडियन गवर्नमेंट। इस मिशन के तीन सदस्य थे, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उस समय, उनके अलावा दो और सदस्य सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, President of the Board of Trade and the First Lord of Admiralty V. Alexander. Lord Wavell, जो Viceroy थे, हर बैठक में हिस्सा नहीं लेते थे, in the sense that he did not participate in the deliberations, लेकिन मौजूद रहते थे। मिशन के विजिट के ठीक पहले हिंदुस्तान में 1946-47 के प्रोविंशियल चुनाव समाप्त हो चुके थे। नतीजों ने स्थिति को और जटिल बना दिया। इंटरनल स्थिति की बात कर रहा हूं। यूं समझिए कि हिंदू और मुसलमान दो अलग बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग गुटों में बट गए थे। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मतदाताओं को यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहा था कि लीग वॉज द ओनली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, और वो इस मैसेज को सक्सेसफुली डिलीवर करने में कामयाब भी हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने हिंदू सीट्स में ओवरवेलमिंगली जीत हासिल की। उनका नारा था इंडिपेंडेंस फर्स्ट। लॉर्ड वेवल ने 1944 में ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के
स्टेटेड पोजीशंस को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके थे। क्या उस स्टेटेड पोजीशन से अब के पोजीशन में कुछ फर्क आया था? लॉर्ड वेवल ने 1944 में लंदन को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, जिन्ना वांट्स पाकिस्तान फर्स्ट एंड इंडिपेंडेंस आफ्टरवर्ड्स, वेल गांधी वांट्स इंडिपेंडेंस फर्स्ट एंड द मुस्लिम्स बी गिवन द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन व्हिच ऑफ कोर्स कैन बी डन ओनली बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट। बाय एंड लार्ज इन पोजीशंस में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस को कैसे रिजॉल्व करें। सवाल ये था, क्या ये हो पाएगा या फिर कैबिनेट मिशन अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करके वापस लौट जाएगी। भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका पॉपुलर नॉलेज उन कहानियों से ड्रिवन होता है जिसमें हीरोज और हीरोइंस होती हैं। कैबिनेट मिशन प्लान का उल्लेख इनमें से किसी में नहीं है। उसका कारण बहुत सिंपल है, इस पूरे दौर में ना कोई हीरो था और ना ही कोई नायिका। इसके बावजूद कैबिनेट मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण वॉटरशेड इवेंट था, शायद आखिरी मौका था टू अवॉइड व्हाट इवेंचुअली हैपेंड इन अगस्त 1947। कैबिनेट मिशन ने राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकातें की। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो अपने पार्टी के पोजीशन को प्रेजेंट करते थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उनकी सहायता की। कांग्रेस के अलावा कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग, सिख समुदाय और दलित संप्रदाय के लोगों से, उनके नेताओं से, उनसे भी बातचीत की। हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कैबिनेट मिशन से मिले। ही डिमांडेड दैट द इंटेग्रिटी एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ द कंट्री शुड बी मेंटेन्ड एंड दैट पार्टीशन वुड बी इकोनॉमिकली अनसाउंड, डिजास्ट्रस, पॉलिटिकली अनवाइज एंड सुइसाइडल। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू agree to any suggestion that Hindus and Muslims should be represented in the central government on the basis of equality. Mukherjee ne cabinet mission ke samne wahi baat dohrai jo unhone kuch waqt pehle Jinnah ko kaha tha. Hindu aur Muslim representatives ko un muddon par charcha karne ke liye milna chahiye jin par उन्हें एक दूसरे से सुरक्षा की आवश्यकता है। 7th से लेके 9th अप्रैल 1946 के बीच में दिल्ली में मुस्लिम लीग लेजिस्लेटर्स कन्वेंशन आयोजित हुआ। पाकिस्तान को अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर परिभाषित किया गया इस मीटिंग में। द सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान comprised of the Muslim majority states of Bengal, Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan. Maulana Azad remained firm in the Congress demand for a completely free and united India. Cabinet Mission ne Muslim League ke proposal ko aswikar kar diya, kaha ki ye proposal non-viable hai. The Congress stated that demands of minorities would be worked out within an united India in a wider framework. The options available would cover the entire gamut ranging from autonomy to self-determination. But this would be determined after the British left and power was transferred. 1946 mein clear ho gaya tha ki British सरकार भी यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में थी। अंग्रेज सरकार बस यही चाहती थी कि आजाद भारत का स्टैंड प्रो ब्रिटिश हो और कॉमनवेल्थ में एक्टिव रोल प्ले करे।
कॉलोनियल रेजिम के हिसाब से विभाजित हिंदुस्तान के डिफेंस में डेप्थ कम हो जाएगा अगर विभाजन होगा और जॉइंट डिफेंस प्लान्स संभव नहीं हो पाएंगे. द गवर्नमेंट ऑल्सो थॉट दैट ग्लोबली दिस वुड बी सीन एज अ मेजर फेलियर ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेसी. कैबिनेट मिशन के सामने पेश दलीलों को सुनने के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया दैट द माइनॉरिटी विल नॉट बी अलाउड टू प्लेस अ वीटो ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द मेजॉरिटी. तमाम स्टेक होल्डर्स से चर्चा करने के पश्चात कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को एक थ्री टायर्ड लूज फेडरल स्ट्रक्चर यूनियन ऑफ इंडिया के लिए प्रपोज किया. इस थ्री टायर्ड हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडेड थे. स्ट्रक्चर के सबसे ऊपर के लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज किया गया. इट वॉज टू बी इन चार्ज ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एंड द राइट टू रेज फंड्स और रिसोर्सेस टू रन दीज सिस्टम्स. बाकी सारे के सारे रेसिडुअल पावर्स प्रोविंशियल सरकारों के पास होने का प्रपोजल दिया गया. These provincial governments were free to form groups and each group could have their own executives and legislatures. Cabinet plan के मुताबिक एक constituent assembly बनाने की बात की गई. This was to be elected by members of the recently elected provincial assemblies and it would draft a constitution for the whole of India. According to the historian Shekhar Bandopadhyay, the Constituent Assembly would split into three sections after drafting the constitution of the whole or the United India. Section A, Hindu majority provinces ka hoga. Section B, Uttar Paschim Kshetra mein Muslim majority provinces ka hoga. And finally, Section C, जो असम और बंगाल का होगा. द प्रपोजल वॉज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्लेम्स एंड इंडियाज सोशल एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी. कैबिनेट मिशन ने कहा जब तीनों लेवल्स के लिए एक संयुक्त या फिर एक कॉमन संविधान पर एग्रीमेंट हो जाएगा तब उसके बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद राइट टू ऑप्ट आउट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप हर प्रोविंस के पास होगा. परंतु वे मात्र ग्रुप से ऑप्ट आउट कर सकेंगे. दे वुड नॉट बी एबल टू लीव द इंडियन यूनियन. इस प्रोसेस के दौरान कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक इंटरिम गवर्नमेंट के गठन को फैसिलिटेट करने के लिए भी कमिट किया. But the Congress did not want the provinces to wait till the end of the first election before exercising their right to leave the groups in which they were placed. This was because it had majorities in the Northwest Frontier Province and in Assam, which had been placed in groups B and C, whereas the Congress wanted it to be placed in group A. Groups ko common samvidhan se hatkar अपना संविधान बनाने का हक 10 साल बाद दिया गया था अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान. बट द मुस्लिम लीग वांटेड दिस राइट टू बी गिवन टू इट इमीडिएटली. इट वांटेड टू सीसीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन राइट अवे. ऑल्दो दिस वाज नॉट ग्रांटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट इन द अर्ली डेज ऑफ जून 1946 purely as a tactical move. इसी किस्म की jumbled responses की वजह से cabinet mission failed in its mission to form the interim government and returned to England on the 29th of June 1946. Nehru का
7 जुलाई 1946 को एआईसीसी में जो भाषण था वो भी बहुत उल्लेखनीय है। वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कांग्रेस जो है कमिटेड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि एक संविधान बनाया जाए। 29 जुलाई को जिन्ना ने फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान के एक्सेप्टेंस को वापस ले लिया। कुछ ही दिनों में जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया, जो अगस्त 16, 1946 के ब्लडबाथ में रिजल्ट हुआ। इस फैसले के बाद विभाजन से बचना नामुमकिन हो गया था। तय हो गया था कि अब खून की नदियां इस देश में बहेंगी ही। The independence of India and Pakistan were preceded and followed by unprecedented violent transfer of population। ये कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस हमारे नए श्रृंखला में। आज का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद।